मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिटू शनिवार हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के मंत्रिमंडल गठन पर क्षेत्रीय संतुलन का सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं के किसी भी सवाल के जवाब देने बेबुनियाद है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल पूरी तरह से संतुलन में है और लोगों के उम्मीदों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। ओपीएस को लागू करने के निर्णय को महज घोषणा मात्र करार देने के विपक्ष के बयान पर सुनील शर्मा ने कहा कि कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है और तथ्यों के आधार पर ही घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वायदों को निभाना शुरू किया है। मैं कांग्रेसी सरकार बनने के बाद जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने तो एक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक संदेश गया कि आम परिवार से संघर्ष करने के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बना है। चुनावों से पहले कुछ एक कमिटमेंट की गई थी हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ, और खास करके उसमें मुख्य मुद्दा था ओपीएस का। और जहां तक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, जब जब मौका मिलता था चुनाव होने से पहले वो ओपीएस के पक्ष में बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये समझा था कि शायद ये कहने का जुमला है। जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए का जुमला दिया, लोगों को सुविधाओं की बात कही, हर मुकाम पे असफल हुए, लेकिन आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में अपनी जो वायदा था उसको निभाया है और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है, एक त्यौहार का माहौल है। जो लोगों का अधिकार था वो उनको दिया गया, और पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं आज पूरे देश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्य की सराहना की जा रही है। और ओपीएस का जो हमारा वादा था उसको हमने पूरा किया, ये कांग्रेस के लिए गर्व की बात है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए एक गर्व की बात है, और पूरा हिमाचल प्रदेश उनका धन्यवाद कर रहा है। अभी तो हो जाता है, एक मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर घोषणा हो रही है, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को मालूम नहीं है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कार्यप्रणाली क्या है। लोगों को सुविधा देना कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्य धारा के रूप में काम करने के बराबर है, लेकिन लोग अब उनके भटकाव में नहीं आने वाले हैं। केवल मात्र ये भारतीय जनता पार्टी के इस कहने का कोई असर भी नहीं होने वाला है। आ जाइए, आप ओपीएस के लोगों से मिलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई से मिलिए, उनके परिवारों से मिलिए, उनका परिवार खुशी मना रहा है, तो इन बातों के कोई भी मायने नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आज बंद कमरों में सिमट करके रह गए हैं, उनकी कोई भी बात जो है वो यथार्थ नहीं है और उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नेक काम किया है, अपने वादे को निभाया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। ये जो प्रश्न है इनमें कोई तथ्य और दम ही नहीं है। काय का विपक्ष, हमारी कैबिनेट है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने कैबिनेट के फैसले लेने हैं, उन्होंने प्रदेश के कार्य करने हैं। ये कौन सी बात है कि हमारा कैबिनेट बैठक, हमारी कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है संतुलन में नहीं है। वो होते कौन है बोलने वाले? उन्होंने तो ये भी कहा कि मंत्रिमंडल बनने में देरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी में पता नहीं कौन सा बिखराव है। अब आप बताइए, एक महीने के कार्यकाल में मंत्रिमंडल का गठन तो अभी हुआ, उससे पहले कोई कार्य करने में कोई कमी नजर आई आपको? हर व्यक्ति को कार्य दिया गया है। मंत्रिमंडल एक नियम है जिसके द्वारा अलग अलग लोगों को जिम्मेवारियां दी जाती हैं, लेकिन एक महीने तक, जब तक हमारा मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ, तब तक भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को या किसी भी ऑफिस को ये महसूस नहीं हुआ, बल्कि आप तो पत्रकार हैं, कि हमारा कोई कार्य रुका हुआ हो। तो हमने बहुत अच्छे कार्य किया, आगे भी अच्छे कार्य करेंगे। हमारा मंत्रिमंडल जो है वो संतुलन है, और इस तरीके के उनके सवालों का जवाब देने की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद देखेंगे, जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो ओपीएस नहीं दे पाए, फाइनेंस नहीं है, हमने पहली बैठक में दे दिया। 1500 रुपये कहाँ से देंगे वो हमारी सरकार सोचेगी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सोचेंगे। कमेटी गठित कर दी गई है, इसके मायने क्या है कि हमने 1500 रुपये देने के तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कमेटी इसलिए गठित की गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना है, कितने हजारों करोड़ों का वो हमारे को प्रदेश को कर्ज दे के गए हैं। हमारा छोटा सा प्रदेश है, हमारे अपने प्रदेश की आय के साधन कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए हैं, उनको वायदों को निभाया जाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि छोटे से प्रदेश में ये प्रदेश अपने स्वावलंबन होने के बाद अपनी आर्थिक नीति को सुधारते हुए जो 1500 रुपये की बात है उसके ऊपर भी खरा उतरेगा।